Why is pancreatic cancer diagnosed in later stages? स्वादुपिंड का कैंसर ये काफी बार लेट स्टेज में डायग्नोसिस क्यों होता है? क्या ऐसा कोई टेक्निक है जिससे हम पैनक्रियाटिक कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं? चलिए जानते हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी। मैं एक गैस्ट्रो एंड कैंसर सर्जन हूँ। ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है एब्डोमिनल कैंसर और उसके लिए किए जाने वाली लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरीज। आज हम एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन का आंसर देंगे जो कई बार पेशेंट्स हमें ओपीडी में या क्लिनिक में पूछते हैं कि पैनक्रियाटिक कैंसर यानी कि स्वादुपिंड का कैंसर ये काफ़ी बार लेट स्टेज में क्यों डायग्नोस होता है? क्या इसका कोई रीज़न है कि ये ही कैंसर लेट स्टेज में ही मिलता है? क्या इसे हम अर्ली स्टेज में पिकअप नहीं कर सकते थे और जिससे कि इसका ट्रीटमेंट ज़्यादा इफेक्टिवली किया जा सके? तो इसके कई सारे रीजन्स है। इसके लिए हमें पैनक्रियास की एनाटॉमी यानी कि इसका लोकेशन और इसका नर्व सप्लाई इसे देखना ज़रूरी है। तो पैनक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में सबसे पीछे की तरफ सिचुएटेड होता है यानी कि वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारा जो स्पाइन है इसके बिल्कुल बगल में। तो आगे से अगर हम देखें तो ये सबसे पीछे वाला ऑर्गन माना जाता है और इसका जो लोकेशन है साइंटिफिक टर्म्स में हम इसे रिट्रोपेरिटोनियम के नाम से जानते हैं। रिट्रोपेरिटोनियम में पैनक्रियास के साथ साथ किडनी और बाकी यूरिनरी ऑर्गन्स भी होते हैं। रिट्रोपेरिटोनियम एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे नर्व सप्लाई काफ़ी कम होता है। तो इस एरिया में जो भी ऑर्गन्स हैं इसमें होने वाला कोई भी डिसीज़ ये ज़्यादातर पेन कॉज नहीं करता, एटलीस्ट अर्ली स्टेजेस में ये पेन कॉज नहीं करता। ये तभी पेन कॉज करता है कि जब वो ट्यूमर बड़ा हो या फिर वो कोई बाजू वाले स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर रहा हो जिसमें कि नर्व्स ज़्यादा है या फिर ये ब्लड वेसल्स के पास में लोकेटेड नर्व प्लेक्सस में जाके इसको इन्फिल्ट्रेट करता है तभी इसका पेन डेवलप होता है। दैट इज़ वन मेन रीज़न व्हाई पैनक्रियास के कैंसर में लेटर स्टेजेस तक पेन होता नहीं है। सो पैनक्रियास का लोकेशन को ज़्यादा अच्छे से बताने के लिए ये हमारे पास एक मॉडल है जिसमें हम हमारे अपर एब्डोमेन यानी कि अपर पेट के अपर हिस्से के ऑर्गन्स को देख सकते हैं। ये हमारा स्टमक है जो हमारे फूड पाइप से कनेक्टेड होता है और आगे जाके ये स्मॉल इंटेस्टिन में आगे बढ़ता है। सो अगर हम इसको रिमूव करें तो स्टमक के ठीक पीछे पैनक्रियास सिचुएटेड होता है और ये जो हम मेजर जो ब्लड वेसल देख रहे हैं इसे एओर्टा कहा जाता है जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ब्लड वेसल होता है और ये भी वर्टिब्रल कॉलम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल बगल में होता है। सो इसका लोकेशन जो है वो सबसे पीछे की तरफ है और इसी वजह से इसमें पेन काफ़ी लेटर स्टेज में डेवलप होता है। पैनक्रियास कैंसर में होने वाला एक सेकंड सिम्टम होता है जॉन्डिस। तो जॉन्डिस तब डेवलप होता है जब ये ट्यूमर इतना ग्रो करता है कि हमारे बॉडी का जो बाइल डक्ट है यानी कि पित्त की जो नलिका है इसको ये जकड़ लेता है या इसको पकड़ लेता है और इसी के बाद ये जॉन्डिस डेवलप होता है और कई बार ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो जॉन्डिस एक दिन में नहीं डेवलप होता है, इट डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स। और सडनली एक दिन पेशेंट ये नोटिस करता है कि आँखें या फिर स्किन का कलर पीला पीला लगने लगता है। सो दिस इज ऑल्सो अ स्लो प्रोसेस। तो कई बार अर्ली स्टेज में जॉन्डिस इतना सीवियर ना होने की वजह से ये भी मिस हो सकता है। द थर्ड थिंग इज पैनक्रियास कैंसर के ग्रो होने से बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स भी सीक्रेट होते हैं जिससे कि एपेटाइट कम हो जाता है तो पेशेंट की खाने की क्षमता भी कम हो जाती है और इसकी वजह से वेट लॉस भी हो सकता है। सो अगेन लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट ये काफ़ी ग्रेजुअल तरीके से होते हैं। सो दैट इज़ वाई कभी कभी अर्ली स्टेजेस में हम या पेशेंट इसको ऐसा कह के छोड़ देता है कि शायद आज मुझे भूख ही ना लगी हो। सो ये तभी नोटिस होता है जब बाकी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स नोटिस करते हैं कि खाना काफ़ी कम हो गया है या फिर पेशेंट दुबला पतला लगने लगा। सो दैट इज़ द रीज़न दिस इज़ नॉट पिक्ड अप इन द अर्ली स्टेज। सो कभी कभी पैनक्रियास के लेफ्ट तरफ यानी कि पैनक्रियास का साइंटिफिकली जिसे हम बॉडी या फिर टेल कहते हैं तो ये लेफ्ट साइडेड ट्यूमर्स कभी कभी काफ़ी बड़े होकर ग्रो होते हैं और पैनक्रियास का जो कैप्सूल होता है यानी कि इसका जो कवरिंग होता है इस पर ये स्ट्रेच करके पेशेंट को पेन का एहसास देते हैं या फिर पेन कॉज करते हैं। कभी कभी ट्यूमर पैनक्रियास के डक्ट को ब्लॉक करके पैनक्रियास में सोजन भी तैयार कर सकता है जिसे हम पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। तो कई बार हम ये देखते हैं कि पेशेंट को
सिम्टम्स पैनक्रियाटाइटिस की वजह से होते हैं और जब इसकी टेस्ट की जाती है तो पता चलता है कि दरअसल ये एक ट्यूमर है जो पैनक्रियास में सोजन कॉज कर रहा है या पैनक्रियास में इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है। कभी कभी पैनक्रियास का ट्यूमर स्प्रेड होके दूसरे ऑर्गन में भी जा सकता है और कई बार हम ये देखते हैं कि पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो उस दूसरे ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि लीवर में स्प्रेड होने के बाद पेट में पानी होना या फिर पैरों में सूजिश आना, और ये तभी इन्वेस्टिगेट करने पे पता चलता है कि एक्चुअली ये डायग्नोसिस कुछ और है, ये पैनक्रियास का ट्यूमर है जो लीवर में स्प्रेड हो चुका है। तो दिस इज ऑल्सो वन रीजन कि पैनक्रियास के ट्यूमर्स काफ़ी लेट क्यों डायग्नोस होते हैं, बिकॉज दे आर क्लिनिकली साइलेंट। अब हमने देखा कि ट्यूमर लेट क्यों डायग्नोस होता है, सो ये जानना जरूरी है कि इसको हम चेंज कैसे करें और इसको अर्ली कैसे डायग्नोस किया जाए। सो हमने कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स देखे जैसे कि जॉन्डिस, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट, जैसे कि पेन जो पेट के अपर तरफ हो। तो ऐसा कोई भी सिम्टम जो दो हफ्ते से ज़्यादा है इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। दिस कैन बी अ अर्ली वार्निंग साइन ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर। तो अगर 2 वीक्स से ज़्यादा कोई भी सिम्टम हो और स्पेशली एज अगर 60 या 65 से ज़्यादा हो तो ऐसे एल्डरली पेशेंट्स ने इसे निग्लेक्ट ना करके तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से ओपिनियन लेके इसको चेकआउट करना चाहिए। इसी तरीके से हम पैनक्रियास के कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर पैनक्रियास कैंसर से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई सलाह लेनी हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मेल भेज के हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।